बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आई है। आपको बता दें कि हजरतगंज पुलिस ने मराठा कन्हैयालाल शर्मा को किया गिरफ्तार। ढूंढ रही थी कई राज्यों की पुलिस राजधानी लखनऊ में हजरतगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रविवार को एक ऐसे महाठक को गिरफ्तार किया है जिसकी तलाश कई राज्यों की पुलिस कर रही थी। बताते चले कि दिल्ली मुंबई की पुलिस के साथ बांदा वाराणसी लखनऊ महोबा कानपुर पुलिस द्वारा कई बार ठग कन्हैयालाल शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए मारी जा चुकी है दबिश, किंतु पुलिस के हाथ नहीं लगा कोई सुराग। किंतु लखनऊ में हजरतगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जॉपरिंग रोड स्थित सूरजदीप कॉम्प्लेक्स में दफ्तर से इस महाठक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि नटवरलाल कन्हैयालाल शर्मा अपनी कंपनी बनाकर कई करोड़ का गबन कर चुका है। बड़े बड़े कारोबारियों को सरकारी ठेका पट्टा दिलवाने के नाम पर लोगों से बड़ी रकम लेकर गारंटी देता था, फर्जी चेक, और खुद वहां से चंपत हो जाता था। यूपी दिल्ली मुंबई से न्यायालय द्वारा जारी किया था नटवरलाल कन्हैया शर्मा के खिलाफ NBW वारंट, जिसमें तीनों राज्यों की पुलिस कर रही थी उसकी तलाश। मजे की बात तो यह है कि कन्हैया लाल अपने दफ्तर में अपने हम शक्ल के दूसरे व्यक्ति को बैठाता था ताकि वो पुलिस की पकड़ से बचा रहे। वहीं DCP सेंट्रल रवीना त्यागी के दिशा निर्देशन एवं ACP अरविंद कुमार वर्मा की रणनीति के तहत इंस्पेक्टर विक्रम सिंह द्वारा बिछाए गए जाल में अंततः रविवार को अंतर्राज्यीय महाठक कन्हैयालाल शर्मा पुलिस की जाल में फंस ही गया। ACP अरविंद कुमार वर्मा के मुताबिक बटलर पैलेस के एमराल्ड पैलेस निवासी महाठक कन्हैयालाल शर्मा बड़े बड़े नेताओं से संबंध रखता था। वो MS स्वराज क्रांति इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है। कन्हैयालाल खुद को भारतीय युवा क्रांति का बताता था राष्ट्रीय अध्यक्ष और IAS IPS अधिकारियों से अच्छे संबंध का हवाला देकर ठेका पट्टी के नाम पर लोगों को बनाता था ठगी का शिकार।